दोस्तों Redmi ने अब तक इस साल Redmi Note सीरीज का अपना तीसरा स्मार्टफोन लॉन्च कर चुकी है, जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया है। और अब बारी है Redmi Note सीरीज के अगले स्मार्टफोन की, जो कि होने वाला है Redmi Note 8। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में Redmi Note 7 सीरीज की एक्सपेक्टेड फीचर्स बताई थी और वही देखने को मिली थी। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 8 की एक्सपेक्टेड फीचर्स की और क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो अगर आप भी एक्साइटेड हो इस स्मार्टफोन को लेकर, तो इस वीडियो को पूरा देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिजाइन और डिस्प्ले से, तो यहाँ पर आपको एक 6.39 इंच की सुपर एमोलेड की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, जैसा कि हमें प्रीवियस स्मार्टफोन में देखने को मिला है Redmi के K20 और K20 Pro में। Redmi अपने नोट सीरीज में एक बहुत ही बड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकती है और इसका मेन सेलिंग पॉइंट हो सकता है। अगर वही बात करें इसके डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलने वाली है, जैसा कि Redmi Note 7 Pro में देखने को मिला था। बहुत लोग का मैंने वीडियो देखा, वो बोल रहे हैं कि इस स्मार्टफोन में आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, तो दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मिड रेंज के प्राइस सेगमेंट वाला स्मार्टफोन है। सो इस स्मार्टफोन में आपको इतनी बड़ी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती है अभी फिलहाल, क्योंकि इतनी बड़ी इम्प्रूवमेंट करने से इसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और जिससे कि इसकी सेलिंग पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, तो Redmi ऐसा नहीं चाहेगी। सो इस स्मार्टफोन में आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन की बैक साइड की, तो यहाँ पर आपको Redmi के Note 7 की तरह एक ग्लास बैक देखने को मिल जाएगी, जो कि ग्रेडियन फिनिश के साथ आएगी। बैक में आपको बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है, जो कि होगा इसका कैमरा। इसके कैमरे में आपको एक ट्रिपल लेयर कैमरा का स्लॉट देखने को मिल सकता है। प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का सैमसंग के GM1 का सेंसर हो सकता है, जो कि Redmi Note 7 S में हमें देखने को मिला है। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस देखने को मिल सकता है और साथ ही में 5 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस का कैमरा हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही में आपको बैक साइड में एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन के 710 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जैसा कि Realme 3 Pro में हमें देखने को मिला था। ये एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट होगी इस स्मार्टफोन में और ये एक मेन सेलिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये प्रोसेसर Fortnite जैसे बड़े गेम को भी सपोर्ट करती है। सो आपको कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा लगता है, स्नैपड्रैगन के 710 का या Redmi Note 7 Pro में जो दिया गया था स्नैपड्रैगन के 675 का। अब बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो यहाँ पर आपको एक 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और हो सकता है कि इस स्मार्टफोन में आपको एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाए, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बात होगी। अगर ऐसा होता है तो ये मेन सेलिंग पॉइंट हो सकती है इस स्मार्टफोन की। अगर वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगी, जो कि MIUI 10 पे बेस होगी। साथ ही में इस स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको एक फास्ट चार्जर भी देखने को मिल सकती है। साथ ही में यहाँ पर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक और टाइप सी का भी सपोर्ट देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग होने वाली बेस वेरिएंट की, वो 11,000 रुपीस तक हो सकती है, क्योंकि इस स्मार्टफोन में बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इस स्मार्टफोन की कॉस्ट थोड़ी बढ़ सकती है। फाइनली दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो जैसा कि प्रीवियस ईयर हमने देखा था कि Redmi Note 7 के दो सीरीज देखने को मिले थे, Redmi Note 5 और Redmi Note 6, तो इसी तरह से इस ईयर भी आपको Redmi Note सीरीज के अगला स्मार्टफोन यानी Redmi Note 8 बहुत ही जल्द यानी आपको सितंबर से अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकती है, जैसा कि Redmi Note 6 Pro को लॉन्च किया गया था। सो आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ गुड डे।